आपसे सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि 2011 में आपके जो प्रयास उदयपुर के विकास के लिए किए गए उनकी जानकारी देते हुए आपके 2012 की जो योजनाएं उदयपुर के लिए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। पहले मैं चुनाव लड़ा उसमें कुछ कल्पनाएं लेके और चुनाव लड़ा था और उदयपुर की जनता को मेरी तरफ से व्यक्तिगत तरफ से भी आश्वस्त किया था और हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से भी जो योजना प्रस्तावित थी उसके अनुरूप काम करने का वादा हमने किया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने जो वादे किए थे उन वादों में 60% से ऊपर वादे हमने पूरे कर दिए हैं। बचे हुए समय में हम बाकी बचे हुए जो योजनाएं हैं जो कह रखी थी हमने आम जनता से वो पूरी करने की कल्पना है। मोटे तौर पे IIM उदयपुर में लाने की स्थापित करने की कल्पना थी, हमारी घोषणा भी थी, वो हमने पूरी की। हमारी उदयपुर अहमदाबाद 6 लेन होने जा रही है, ये भी हमारे लिए उपलब्धि है। देवबाड़ी से काया, क्योंकि हमारा बाईपास जो है बाईपास है वो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाने की वजह से एक्सीडेंशियल जोन बन गया, सिटी के बीच में आने लग गया, तो हमने प्रयास करके और बाईपास देवबाड़ी से बलीचा निकाला है को बाईपास करा दिया है, पीटी स्वीकृति भी जारी हो गई है। देवास जो उदयपुर के लिए बहुत ही जीवनदायी या हम कह सकते हैं कि मुख्य हमारा आधार बन गया है, चाहे पेयजल की दृष्टि से चाहे टूरिज्म की दृष्टि से हमारा शहर का विकास होगा। और देवास 380 करोड़ की स्कीम लगभग पूरी होने जा रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाला बरसात का पानी हम देवास सेकेंड का हम निश्चित तौर पे उदयपुर को पहुंचा पाएंगे और यहाँ की जिले हमेशा भरी रहेगी। देवास थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम लाके यहाँ विजिट भी कराया है और मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा भी है कि इस स्कीम को बनाइए, आगे की जो भी कार्रवाई है वो हम सब मिलकर पूरी करें। तो हमारा प्रयास है कि देवास स्टेज थर्ड और फोर्थ अगर बन के तैयार हो जाती है तो हमारी मेजर समस्या दूर हो जाती है और ये अगर ये स्कीम बन जाती है तो हम जयपुर तक पानी दे सकते हैं, इसके अलावा भी हमारे परमानेंट सोर्स बन जाता है पानी का। और उसके अतिरिक्त जिलों के सौंदर्यीकरण के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, NLCP के माध्यम से खर्च हो रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पे टूरिज्म की दृष्टि से भी हम एक कदम काफ़ी आगे बढ़े हैं। आयुर्वेद कॉलेज 2010-11 में बंद पड़े सत्र को पुनः वापस प्रारंभ कराया हमने, ये भी हमारी उपलब्धि है। और फिशरीज कॉलेज बंद था उसको भी प्रारंभ कराया। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में 150 बेड अतिरिक्त बढ़वाए, ये भी हमारी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज में PG में सीटों की वृद्धि करवाई, ये भी हमारी उपलब्धि है। और धान मंडी उदयपुर में CMNHO कार्यालय का पूरा तोड़वा कर और नए भवन का निर्माण हो रहा है और इस तरह से हमने काफ़ी कुछ काम किया है। मुख्य चिकित्सालय में ICU वार्ड की स्थापना की है और नए कुछ काम और करने की कल्पना हमारी है। और ग्रामीण क्षेत्र या दूसरा इलाका है शहर के अतिरिक्त उसमें भी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमारी कल्पना थी कि 2011 में देवेंद्र एनीकट के नाम से एक प्रस्तावित योजना है
जो हमारे सरडा क्षेत्र के चावन तालाब, केजर तालाब, हरचन तालाब को हमेशा भरने वाली स्कीम है, डाइवर्सन स्कीम है, उससे पेयजल और इरिगेशन दोनों पर्पज हमारे सॉल्व होते हैं और टूरिज्म की दृष्टि से भी काफ़ी, क्योंकि महाराणा प्रताप की राजधानी रही है चावन में 12 साल, जहाँ राष्ट्रपति जी अभी आके गई है, तो निश्चित तौर पे वहाँ टूरिज्म का एक केंद्र बन सकता है। तो और किसानों को भी हम पानी दे सकते हैं उस जगेंद्र निकट से, और सराड़ा में कॉलेज खुलवाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु राज्य सरकार की तरफ से अभी सरकारी कॉलेज खोलने में प्रतिबंध लगा रखा है, अब नहीं खोल रही है, उस वजह से अभी रुका हुआ है। तो प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सरकार तैयार हो रही है कि इसको कॉलेज खोल सकते हैं हम। उसके अतिरिक्त टीडी नदी है, उस नदी पे के निकट बांध के डाइवर्सन स्कीम के जरिए डाया तालाब में हम पानी डालना चाहते हैं, ताकि हमारे सराड़ा क्षेत्र के किसानों को खेतों में पानी पर्याप्त मिले, अच्छे अनाज पैदा करें, बीज पैदा करें और कॉमर्शियल क्रॉप्स पैदा करें, ताकि आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। उदयपुर शहर में रेलवे के मामले में भी हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, उसमें हमें कुछ कामयाबी मिली है और नई ट्रेनें भी चलाई हैं, इंदौर की चलाई हैं और इंदौर की के लिए डेली ट्रेन की है, और शालीमार नई ट्रेन चलेगी, और बांद्रा जो 3 दिन थी उसको 6 दिन करने की घोषणा है, और इसके अतिरिक्त भी चेतक को डेली किया है। तो हमने निश्चित तौर पर प्रयास किया है, अब हमारा इंदौर में डेली, इंदौर भी डेली हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रयास है, ओल्ड स्टेशन हमारा प्रताप, महाराणा प्रताप नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ कुछ ट्रेनें हमारी रुकती नहीं है, जैसे चेतक है, बांद्रा है और इंदौर है, ये जो नई गाड़ियाँ चली हैं, अनन्या है, ये गाड़ियाँ रुकती नहीं है। तो हम प्रयास करके वहाँ 1-2 मिनट का स्टॉपेज स्थापित करवाना चाहते हैं, और विंडो, अतिरिक्त एक विंडो भी खोली जाए, ताकि टिकट लेने वालों की परेशानी नहीं हो, और उसको पुराना स्टेशन को विकसित और अच्छा स्टेशन बनाए, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो हम सभी प्रताप स्टेशन पर ठहराव करना, उसको आधुनिक स्टेशन बनाना, अतिरिक्त विंडो बनवाना, ओवर ब्रिज बनवाना, और हमारे अहमदाबाद उदयपुर जो ब्रॉडगेज, बहुत इम्पोर्टेंट इशू, अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉडगेज वो जो बन रही है, उसको गति दिलाना और उसका मिलनी भी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही सहृदय हैं, वो पत्रकारों के प्रति बड़े शौक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको भी, हमने साल की पूरे परिवार की और पूरे पत्रकार जगत को, कि वो सभी आपके खुश रहें और प्रसन्न मुद्रा में रह के और अच्छी अच्छी खबरें जनता को, सही और सत्य और अच्छी खबरें पहुंचाएं उन तक।